किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की। गांव में रहते थे, उनसे जब भी कोई पूछता था क्या हाल चाल है तो हमेशा कहते थे ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। ठाकुर जी का बड़ा छोटा सा उस गांव में मंदिर था। ये जो भक्त थे, इनके परिवार में इनकी एक बिटिया थी, दो बेटे थे। जब बिटिया की शादी की बात आई तो पैसा चाहिए था, पैसे नहीं थे घर में, तो उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए और पैसा लेकर के आ गए। धूमधाम से बिटिया की शादी की। कुछ साल बीते, इनके बच्चे जो है नौकरी करने के लायक हुए, नौकरी करने लगे शहरों में, तो पैसा आने लगा। तो बच्चों ने कहा पापा आप जाकर के सारा पैसा चुका दो सेठ जी का। तो एक दिन सारा पैसा लेकर के गए और सेठ जी को कहा कि आपका सारा पैसा, ब्याज और मूलधन सब आपको मैं लौटा रहा हूं। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। पर्ची इनको दे दी। जब इन्होंने पर्ची ली तो ये पर्ची को देखते रहे, तो सेठ जी ने कहा ढंग से देख लो, पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया सब कुछ। तो उन्होंने कहा साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं, आपने लिख दिया तो सही लिखा होगा। सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उन्होंने कहा एक बार पर्ची वापस देना, मुझे साइन करने हस्ताक्षर रहे। सेठ जी ने पर्ची वापस ली और अब की बार नई पर्ची बना करके पर्ची पलट दी, उसमें लिख दिया कि पैसे अभी बाकी हैं। दो तीन महीने के बाद में सेठ जी फिर से इनके घर पर आधम के और कहने लगे कि साहब पैसे लाओ, पैसे तो बकाए। इन्होंने कहा पैसे लौटा दे दिए। सेठ जी ने पर्ची दिखा दी, ये लो तेरी पर्ची, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, तुम्हारी वाली देख लो उसमें भी लिखा हुआ है। इनका दिमाग ठनक गया। उन्होंने कहा सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय में जब जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि साहब बताइए क्या सबूत है। तो उन्होंने कहा साहब पर्ची है मेरे पास, लेकिन इसमें तो उन्होंने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि अच्छा कोई था वहां पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए। भोला भाला भक्त एक ही बात जानता था, कहा कि ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए। जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। और पुलिस वाले गए ये नोटिस देने के लिए गांव में, तो वहां पूछा भाई ठाकुर जी कौन है यहां पर। तो गांव वालों का साहब यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। अब कमाल आप देखिए कि जिस दिन वो सुनवाई शुरू हुई, जो तारीख आई जिस दिन ठाकुर जी को आना था, तो जोर की आवाज लगी ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चल करके आते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और जज साहब पूछते हैं क्या नाम है। कहते हैं मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब कहते हैं तुम्हारे सामने पैसे दिए थे। बोले हाँ मेरे सामने पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा सबूत क्या है। तो उन बूढ़े महात्मा ने, बाबा जी ने कहा कि काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बैठा के रखिए और इनके घर पर किसी को भेजिए। इनके घर पर बड़े से कमरे में तीन अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्योंकि वो ओरिजिनल पर्ची थी, सही वाली पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था कि सारे पैसे प्राप्त हो गए। जज साहब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। फैसला जो था भक्त के पक्ष में सुनाया गया, सेठ जी को सजा सुनाई गई है, सब वो सब। उसके बाद फटाफट से जज साहब ने कार्यवाही समाप्त करके बाहर आए मिलने के लिए कि मिल लूं उन बूढ़े बाबा से, लेकिन तब तक जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए और गांव में जाकर के उन्होंने पूछवाया कि ठाकुर जी कहां रहते हैं, कौन है ठाकुर जी। लोगों ने कहा साहब इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, ठाकुर जी का तो सिर्फ मंदिर है हमारे गांव में, जाकर के दर्शन कर लीजिए। उसी पल उसी क्षण जज साहब ने कहा नौकरी छोड़ूंगा और आज से भक्ति ही भक्ति करूंगा, प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को अपने सर पर लगाते रहे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उनसे कोई पूछता कि बैठ जाइए, वो कहते थे नहीं, मैंने भगवान को अपने कोर्ट रूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप किया, मैं मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हूं। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, प्रभु रास्ता जरूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे, इतना विश्वास बना के रखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब हम अपने लिए चुनते हैं तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब प्रभु पर छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है गरीब परिवार की, जहां एक बच्चा रहता था जिसको बादाम बहुत पसंद थे। एक दिन उसके पापा ने बादाम वाला हलवा बनाया, दो कटोरी हलवा बना करके तैयार करके उन्होंने टेबल पर रख दिया और बोला बेटा अपने लिए चुन लो। एक जो कटोरी थी उसमें ऊपर दो बादाम लगे हुए थे और दूसरी जो कटोरी थी उसमें कोई बादाम ऊपर नहीं दिख रहा था। लड़के को बादाम बहुत पसंद थे और गरीब परिवार में बादाम का आना बहुत बड़ी बात है। उसने फटाफट से वही वाली कटोरी उठाई जिसमें ऊपर दो बादाम लगे थे।
उसने हलवा खाना शुरू किया, पिताजी ने दूसरी कटोरी ले ली, उन्होंने हलवा खाना शुरू किया। कमाल की बात यह थी कि उस लड़के की कटोरी में तो सिर्फ दो ही बादाम आए जो ऊपर लगे थे, लेकिन पिताजी की कटोरी में अंदर चार बादाम छुपे हुए थे। लड़के ने जैसे ही देखा कि पापा की कटोरी में चार बादाम आए, उसका दिमाग खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया। उसने कहा, पापा की कटोरी में ज्यादा बादाम आ गए और मैंने ये दो वाली क्यों चुनी, मुझे वो वाली चुननी चाहिए थी। अपने दिमाग में बहुत सारा चलने लगा। पिताजी समझ गए, उन्होंने कहा, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो और समझो, जीवन में जब तक स्वार्थ की आदत को अपने साथ रखोगे तुम कभी जीत नहीं पाओगे, जीत करके भी हार जाओगे। और साथ में जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा सच हो ये संभव नहीं है। कमाल की बात ये रही कि दूसरे दिन भी पिताजी ने दो कटोरी हलवा तैयार किया और एक जो कटोरी थी उसमें वही हमेशा की तरह बादाम नहीं था और दूसरी में दो बादाम ऊपर लगे हुए थे। लड़के को पिछले दिन का एक्सपीरियंस याद था, उसको सबक मालूम था, तो उसने अब की बार वो वाली कटोरी चुनी जिसमें ऊपर बादाम नहीं लगा हुआ था, कोई सजा के नहीं लगाया था, वो वाली नहीं चुनी जिसमें ऊपर दो बादाम लगे थे। तो बिना बादाम वाली जो ऊपर से नहीं दिख रहे थे उसको उठा लिया, उसको लगा शायद अंदर मिलेंगे नहीं, और पिताजी से कहा, पापा आप ये वाली खाओ। कमाल की बात ये रही कि जब उसने खाना शुरू किया तो उस कटोरी में अंदर कोई बादाम था ही नहीं। उसके पिताजी को तो दो बादाम मिल गए लेकिन उसे एक भी नहीं मिला। उसका दिमाग फिर से खराब हुआ, उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि ये क्या हुआ। तो पिताजी ने समझाया कि मेरे बच्चे जीवन में जिंदगी हर दिन नया सिखाती है, पिछली बातों का एक्सपीरियंस अनुभव याद रखना अच्छी बात है लेकिन उसको ही पकड़ कर बैठ जाना सही बात नहीं है। जिंदगी हर दिन हर पल नई चाल चलती है, उस चाल को समझो सीखो और आगे बढ़ो। लड़के को समझ में आई बात। तीसरे दिन फिर से पिताजी ने यही प्रयोग किया, उन्होंने दो कटोरी हलवा तैयार किया, एक कटोरी में ऊपर दो बादाम सजे हुए थे, दूसरे में कोई बादाम नहीं था, टेबल पर रख दिया और बच्चे से कहा कि बच्चे चुन लो आपको बेटा कौन सा वाला चुनना है। बेटा क्योंकि तीन दिन से इस प्रयोग में साथ था तो अब की बार उसने फाइनली दिल से कहा कि पापा आप परिवार में बड़े हैं, परिवार में सबका ख्याल रखते हैं, सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, मुखिया हैं परिवार के, आज आप चुनिए आपको कौन सा चुनना है, आप जो छोड़ देंगे कटोरियों में ले लूंगा। पिताजी ने वो कटोरी उठाई जिसमें ऊपर दो बादाम लगे थे और वो छोड़ दी जिसमें कोई बादाम नहीं था। लड़के ने वही कटोरी उठा ली जो उसके लिए बची थी जिसमें कोई बादाम नहीं लगा था। जैसे उसने खाना शुरू किया तो अंदर आठ बादाम निकले। लड़का हंसने लगा और पिताजी ने उसको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया कि मेरे बेटे जब तुम दूसरों का सोचना शुरू करते हो अच्छा अच्छा होना शुरू होता है, और जब तुम प्रभु पर छोड़ देते हो तो प्रभु तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। छोटी सी कहानी जिसका सार यही कहता है कि जीवन में जो कर रहे हैं शुद्ध मन से कीजिए, शुद्ध अंतःकरण से कीजिए, जब उनकी कृपा बरसेगी तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो शानदार यादगार रहेगा।